आपने तो लड़ाई लड़ी थी माल कमाने के लिए, आय का साधन बनाया था आपने। इस बात का प्रमाण है नरसिम्हा राव की सरकार को किसने बचाया था, खाते में सीधा रुपया किसने डाला था। मैं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में तो सरकार का कोई मुकाबला ही नहीं। जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि पैसे को बैंक में मत जमा करो, पैसे को जमीन में गाड़ दो। अरे झारखंड का गठन तो अटल जी ने किया, अडवाणी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वक्त केंद्र में थे उसने किया। आपने तो लड़ाई लड़ी थी माल कमाने के लिए, आय का साधन बनाया था आपने। इस बात का प्रमाण है नरसिम्हा राव की सरकार को किसने बचाया था, खाते में सीधा रुपया किसने डाला था। दोस्तों बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब मैं अपराध लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं बताना चाहता हूं। 3 वर्षों में 134,742 आपराधिक घटनाएं दर्ज हुई, आपराधिक घटनाएं दर्ज हुई। और अपराध में हमारी मां बहनों बेटियों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की घटना घटी, वह घटना हर झारखंडियों को शर्मसार करने वाली है। सरकार में नियत होती, नेतृत्व में अगर ईमानदारी होती, मुख्यमंत्री जी की अगर इच्छा शक्ति होती तो उन अपराधियों को पकड़ करके फास्ट ट्रैक में उनको सजा पूरी तरह से दिलाने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन जब घटनाएं घटती है मां बहनों के साथ, आदिवासी बहनों के साथ, दलित बहनों के साथ और पिछड़े समाज की बहनों के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं घटी है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री जी का जवाब होता है, उनके मंत्रियों का जवाब होता है, ये तो होता ही रहता है। वाह रे, आत्मा विहीन सरकार। जिस सरकार के अंदर आत्मा नहीं है वो सरकार का नाम है हेमंत सोरेन की सरकार, संवेदनहीन सरकार। बहनों की इज्जत लूटी जा रही है और आप इसका एक प्रकार का स्टेटमेंट आता है, विचार आता है, समाज क्या कहेगा। इसलिए दोस्तों हत्याएं इस प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्याएं, भारत के अनुपातिक दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो यहां पर भारत में 4.1 लोगों की हत्या प्रत्येक दिन होती है, तो झारखंड में 6.02 प्रति लोगों की हत्या प्रत्येक दिन होती है। दोस्तों इतना ही नहीं, नक्सल जो बैठ चुका था, खत्म हो चुका था, भाग चुका था, उनके द्वारा चायबासा में क्या हुआ, बारूद लूटा गया, चखीरा लूटा गया। और उस सबसे बड़ा बात है, इस सरकार के पास इतना बड़ा विस्फोटक सामानों का जखीरा है, उसकी सुरक्षा देना भी ये राज्य सरकार के नियत में नहीं है। दोस्तों कानून व्यवस्था की बात करते, जहां थानों की बोली बोली जाती है, जिला पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में बोली जाती है, अब तो हर जगह थाना हो, सीओ हो, बीडीओ हो, हर जगह जहां पर मलाईदार जगह में जाने के लिए मलाई ज्यादा आपको लगेगा, एक बार नहीं हर महीने आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में रिचार्ज होता है, वहाँ पर यहाँ की सरकार को हर महीने पदाधिकारी जनता से लूटते हुए, खसोटते हुए, जनता से शोषण करते हुए पैसे की भेंट दी जाती है बड़े बड़े थैलियों में। दोस्तों ये है हेमंत सोरेन, हेमंत है तो लुटेरों का हिम्मत है, हेमंत हेमंत है तो बिचौलियों का गलत काम करने का हिम्मत है। ये सरकार कोई प्रशासनिक सिस्टम से नहीं चल रहा है, रूल ऑफ इक्विटी बिजनेस से नहीं चल रहा है, ये सरकार तो बिचौलियों के द्वारा चलाया जा रहा है, घरों में बिचौलियों के घरों में फाइलों का निपटारा होता है।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विकास की बात अगर करती है तो राज्य सरकार सबसे निकृष्ट सरकार है पूरे देश में। केंद्र सरकार की योजनाओं को अटकाने लटकाने और भटकाने वाली सरकार है। मैं दो तीन उदाहरण देके बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। चालू वित्तीय वर्ष में भारत की सरकार ने 385,300 ग्रामीण आवास बनाने की स्वीकृति दी थी भारत की सरकार। गरीबों के लिए आवास, निर्धनों के लिए आवास, किसानों के लिए आवास, गांव में रहने वाले लोगों के लिए आवास, और ऐसा आवास जो गरीब आदमी उस आवास में रह करके उसका जीवन स्तर ऊंचा होता है, वो ग्रामीण वो लखपति बनता है, उसकी हक को छीनने का काम किया। और मात्र अब तक 41,000 ही घर बन पाए दोस्तों, 41,000 घर बन पाए, अर्थात 3.5 लाख घर इनसे नहीं बन पाया केंद्र की सरकार की योजनाओं को भटकाने का काम। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं केवल। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कीजिएगा, जिस राज्य में खनिज संपदा है वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की प्राथमिकता होनी चाहिए, और हम तो कहते हैं कि वैल्यू एडेड के आधार पर छोटे छोटे उद्योग लगाकर रोजगार के सृजन होने चाहिए। लेकिन आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर भारत झारखंड की सरकार 35वां स्थान पर है। यह शर्मसार करने वाली बात है दोस्तों। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में तो सरकार का कोई मुकाबला ही नहीं। जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि पैसे को बैंक में मत जमा करो, पैसे को जमीन में गाड़ दो, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान की शपथ लेता है, संविधान की रक्षा का शपथ लेता है, और उन परंपराओं को भूल जाता है जो परंपराएं एक इकोनॉमिक को बेटर करने के लिए देश के अंदर एक नियम है, कानून है, जो संविधान में निहित है। एक मुख्यमंत्री के मुख से कैसे निकल सकता है कि करेंसी को मत मानो, एक मुख्यमंत्री के मुंह से कैसे निकल सकता है कि पैसे को जमीन में गाड़ दो। उनकी सोच ये बताती है कि इस राज्य में वित्तीय अराजकता है दोस्तों, क्योंकि जहां छापे पड़ते हैं वहां करोड़ों करोड़ रुपए पाए जाते हैं। आज तो पूजा सिंगल वाले मामले में मुझे जानकारी हुई कि चार्जशीट हो गया। अरे इंजीनियर वीरेंद्र राम कहे, इंजीनियर ऐसे हैं जिनके यहाँ छापे पड़ते हैं, अफसरों के यहाँ छापे पड़ते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के कलेजे में सांप लौटने लगता है और सड़कों में आकर के प्रदर्शन करने का काम करते हैं। ये पहला राज्य होगा जहां अफसरों के यहां पैसे मिलते हैं और नेताओं को चटपटाहट होती है। दोस्तों चाहे खनिज संपदा का घोटाला हो, दारू घोटाला, छत्तीसगढ़ की सरकार और यहाँ के सरकार के बीच में एमयू है, बिचौलियों का एमयू है, बिचौलियों का। छत्तीसगढ़ का दलाल नाम बदल बदल कर झारखंड के राजस्व को लूटने का काम कर रहा है दारू का। उसके पुराना जो दारूबाज घोटालेबाज जो छत्तीसगढ़ का था, उसने ही यहां पर टेंडर लिया था, और फिर जब वो देखा कि उस पर सबसे ज्यादा सरकार को राजस्व देने का संकट आएगा शर्तों के अनुसार, तब उसने नाम बदल करके फिर से वही काम करने लगा। केवल नाम बदला है, दलाल आज भी वही है, छत्तीसगढ़ का दलाल झारखंड में आकर के झारखंड के राजस्व को लूटने वाला दलाल, दारूबाज घोटालेबाज।